आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ताई जी का पीछा करते करते मैं मार्केट तक तो आ गई, पर अब मुसीबत कहाँ से लाऊं? हाय रे बाप, बारिश शुरू हो गई है। और मेरी छतरी कितने गई? इसी में तो भीग जाऊंगी आज तो मैं सारी। कहाँ गिरा दी मैंने? मंसूरी ताई जी, आप तो ऐसे भीग जाएंगी ना। चलिए मैं अपने घर तक छोड़ देती हूँ। चंगा। हाँ। हेलो। आई। चल। अब इससे पहले तू मैनू ताना मारे, मैं तेनू सब साफ साफ बताया था। मैं एक अच्छे पति की तरह सुबह सही वक्त पे घर से निकल गया था और मैं खेतों की तरफ जा ही रहा था तो मेरी नजर इस पे पड़ी, इन चूड़ियों पर। और इन चूड़ियों को देखते ही ना मैंने सबसे पहले तू दिखाई दी कलाई पे सजाते हुए। अब मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं बचा था ना। अच्छे पति के दिल में प्यार की घंटी बज गई और मैंने फौरन इन चूड़ियों को खरीद के तेरे पास लाना पड़ा। बहुत प्यारी चूड़ियां हैं, मगर मेरे प्यारे पति से कम। ये इस मौसम की चूड़ियां, अगले मौसम में मैं तेरे लिए नई चूड़ियां ले आऊंगा। चल अभी अभी काम पे जाना है। ओए चीचड़ी, की होया? किसके ख्यालों में खोई हुई है? कुछ भी तो नहीं मोटी चाय जी। वैसे बायगॉन, आजकल ना बहुत सवाल करने लगी हैं। चाय जी का मास्टर नहीं ज्यादा लगती है मैनू तो। हैं? हुर फुर। वैसे चाय जी, वो मैनू ना आपसे एक सवाल पूछना है। लो, सवाल खुद कर रही है और मास्टर ने मुझे कह रही है। रुपा चाय जी, मेरी गल तो सुनिए ना। अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो तो उस दुश्मनी को दोस्ती में कैसे बदला जाए? दोस्ती? देख चीजू, अगर तेरी किसी से दुश्मनी है और वो दुश्मन अगर किसी मुसीबत में फंस जाए या किसी आफत में फंस जाए और उस समय अगर तू उसकी मदद करे ना तो वो दुश्मनी दोस्ती में जरूर बदल जाती है। थैंक यू सो मच मोटी चाय जी। अरे चीची, पर ये तो बताती जा, इस बार किससे दुश्मनी मोल ली तूने? चली गई। ताई जी का पीछा करते करते मैं मार्केट तक तो आ गई, पर अब मुसीबत कहाँ से लाऊं? हाँ।
शुरू हो गई है। और मेरी छतरी कितने गई? इसी में तो भीग जाऊंगी आज तो मैं सारी। कहाँ गिरा दी मैंने? सुनिश्चित ताई जी आप तो ऐसे भीग जाएंगी ना। चलिए मैं अपनी घटक छट देती हूँ। चंगा हाँ हेलो आई चल बंसरी ताई जी मेनू दे दीजिए ना मैं पकड़ लेती हूँ। हाँ। हाँ। जानती हैं मैं ना मार्केट इसलिए आई थी वो मेनू ना नेल पॉलिश खरीदी थी पर मेनू जो रंग चाहिए था वो तो मेनू मिला ही नहीं। बिल्कुल ऐसा रंग चाहिए था मेनू जो आपने लगाया हुआ है। वाकई बहुत ही बढ़िया है। वैसे इन सारे मामलों में ना आपकी पसंद कमाल की है बंसरी ताई जी सच्ची। ये रंग ना पिंड में नहीं मिलते मैं तो शहर से मंगाती हूँ। अच्छा वैसे इन दिनों और भी चमकीले रंग भी आ गए आपको वो भी लगाने चाहिए बहुत ही बढ़िया लगेंगे। अरे नहीं नहीं चमकीले रंग लगाने की उम्र थोड़ी ना मेरी। हाय रब बताई जी है की कह रही है आपकी उम्र ना आपके चेहरे पर बिल्कुल नहीं दिखाई देती। जानती है मेरी जो सहेलियां आई थी शहर से उनको तो लगा कि आप गुंजन भाभी की बड़ी बहन है। अच्छा और क्या क्या कह रही थी मेरे बारे में? मान इतनी रही थी कि आप उनकी बीजी हैं। हाय रब्बा इतना परेशान किया ना मैंने मैं तो समझा समझा के थक गई थी कि आप उनकी बीजी हैं। सच्ची अब मैं चलती हूँ। सत श्री अकाल जी। अरे रुक वीरा पुत्र तू अपने छाते में मैनू बचाने के चक्कर में देख खुद गीली हो गई है। तू आज अंदर बैठ सूख भी जाएगी और मैं तेरे लिए ना गरम गरम चाय भी बना दूंगी। बैठ है मैं आई चाय लेके। फेस वन पूरा होगा। आप फिंगर्स क्रॉस्ड हैं रब जी। आई जस्ट होप बंसरी ताई जी ना ऐसी मुझसे मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते रहें बस। दरअसल जब मेरे ब्याह के दौरान सरपंच जी पहली बार मैंने देखने आए ना तो मुझे देखने के बाद मेरे पापा जी से पूछने लगे कि क्या मैं इनकी बड़ी बहन को देखने आया हूँ। तो पापा जी ने उनको बताया कि नहीं लड़की तो यही है। फिर तो सब बड़े बुजुर्ग की शर्म लिहाज छोड़ के ना टुकुर टुकुर मैनू ही देखे जा रहे थे। दरअसल ना मैं शुरू से ना अपनी उम्र से छोटी ही लगती हूँ। बलदेव पुत्र साइड से होके आया ना थक गया होगा मेरा पुत्र। पुत्र तू बैठ मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ चंगा अब बैठ। क्या कर दिया तूने? हाय रब्बा इस नौकरानी ने कितनी बार कहे मकड़ी के जाले तो साफ कर दे पर ना काम तो करके कोई खुशी नहीं होता सारा तू ही करना पड़ता। ताई जी आप परेशान मत हो ना मैं कर देती हूँ रहने दीजिए। चल ठीक है तू जाले साफ कर दे मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है क्या बात है ऐसा क्या कर दिया तूने? बस कर दिया। अब अगली बार है ना उस पर डाउट मत करना और चुनौती देने से पहले ना एक बार सोच लेना। ठीक है जल्दी परेशान मत करना मैंने चल। ओ देव आपस में किट 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 होती रहती है किट 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 होती रहती है। ये मोहब्बत है या लड़ाई है कभी लगे हो के शो के कभी शामत आई है। वो हैप्पी शैप्पी वाला दिल को धड़काने वाला तुम लवशम करने वाला इश्क है मोहब्बत करने वाला दिल को धड़काने वाला शब करने वाला इश्क है। लो चाय भी तैयार हो गई है। सिर्फ तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी अभी तक तूने जाले नहीं साफ किए। वो मकड़ी गिर गई थी वहां से तो मैं उठाने चला आया बस। मकड़ी नहीं नहीं मैंने वो मकड़ी फेंक दी बाहर अब बस जाले साफ करना रह गया वो मैं भी कर देती हूँ। अच्छा किया। वैसे
मीरा, मैं तुझे जितना शरारती और बदमाश समझती थी ना, उतनी तू है नहीं। आज बड़ी काम आई मेरे। शाबाश मीरा। बलदेव, तू क्यों मुस्कुरा रहा है, क्या हुआ है? वो बीजी, मैंने वापस साइड पे जाना है। हाँ। फिर से? अच्छा रुक, पहले चाय पी के जा, मैंने बनाई है, चला। ठीक है। चाहिए था ना? नहीं नहीं बीजी, मैं चलता हूँ। हाँ। चंगा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।